जो 12 बजे होना है उसके पहले हो गया है, लेकिन आज जो उपलक्ष्य चल रहा है भाई, उपलक्ष्य चल रहा है तो मानना पड़ेगा। सही सही, तो आइए उसके पहले की बात। और लिए ये पहला गीत प्रारंभ हो, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मोत्सव चल रहा है और पहला गीत उसी के उपलक्ष्य में होगा। उससे पहले हम 2 मिनट का समय आपसे लेंगे कि यहाँ आए हुए इस क्षेत्र के नेता यशवीर सिंह लोधी ये सम्मान करना चाहते हैं। आप जाइए, आप आए और सम्मान करें। बहुत दूर से आए हुए, प्रयागराज से आए हुए रणजीत राज जी का, यशवीर लोधी जी। क्या बात, एक बार तालियां बजाइए सभी लोग। ये भी बताना पड़ेगा, और ये एक अचला और भगवान राधे कृष्ण की प्रतिमा हमारे आदरणीय सम्मान्य श्री जसबीर सिंह लोधी जी आपकी तरफ से भेंट हुई हैं। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं, स्वागत कर रहा हूं। मैं चाहूंगा आपके स्वागत में आप सभी जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी को कहीं जाना है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा लालमन चंचल जी से, कृपया मंच पे खड़े हो जाएं। और आप लोग जोरदार ताड़ियों से स्वागत करें लालमन चंचल जी का। परम सम्मानी हमारे आदरणीय श्री जसवीर सिंह जी, हमारे आदरणीय दादा श्री लालमन जी कानपुर, आपका स्वागत आपकी तरफ से किया गया। जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आइए चलते हैं आप सीधे जवाबी कीर्तन की तरफ। बिल्कुल, क्योंकि कीर्तन शाब्दिक आनंद है। जब तक आप मन लगा के हमको नहीं सुनेंगे, थोड़ा सा आनंद कम हो जाता है। बिल्कुल, मैं चाह रहा हूँ कि बस ये स्वागत समारोह समाप्त हो जाए, उसके बाद गीत प्रारंभ किया जाए। जो लोग पीछे खड़े हैं आगे आ जाएं, भैया बैठ जाएं। फिल्मी टुकड़ा कह रहा है, फिल्मी तर्ज सुनेंगे आप पहले सुनिए चाचा। और निवेदन कर रहा हूँ जो लोग वहाँ खड़े हैं,
कार्यक्रम संपूर्ण रात्रि का है, समिति के द्वारा बढ़िया व्यवस्था की गई है, आप लोग आकर के बैठ के सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। जो लोग पीछे खड़े आ जाए भैया, आगे बहुत जगह है। गीत सुनिएगा कि कब मैं उससे प्यार करूंगी, कब मैं उससे प्यार करूंगी, कब सोना श्रृंगार करूंगी। बड़े भैया मुख में रखूंगी दर्पण में, वो दर्पण कैसा होगा, दर्पण जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा, ओ बता ये बता क्या तुझे है पता, अब के बरस जो मन से गावे सावन कैसा होगा, अरे सावन जैसा भी हो मेरा साजन कैसा होगा, हेलो हेलो। बड़े भैया थोड़ा सा ट्रेबल में डाल के इसको क्लियर कर दीजिए, बढ़िया बोल रहा है, बिल्कुल बेस लग रहा है। गीत सुनिएगा, ये तो फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं, बढ़िया भैया बढ़िया। फिल्मी दुनिया वाले कह रहे हैं कि दर्पण चाहे जैसा भी हो, सावन चाहे जैसे भी हो, लेकिन मेरा साजन कैसा होगा। अब निवेदन कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधा साधा सब तक पहुँचने वाला गीत है, माता देवकी और वसुदेव जी। माता देवकी वसुदेव जी कारागार में, कंस के कारागार में बंद है, हाथ में बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं, जकड़े हुए हैं हथकड़ी और बेड़ियों से। माता देवकी की आंखों में आंसू हैं चूंकि आठवां पुत्र उनके गर्भ में, दादाजी आठवां पुत्र उनके गर्भ में है। माता देवकी की आंखों में आंसू है, वो कह रहे हैं कि पिया स्वामी, पंक्ति सुनिएगा। अब माँ कल्पना कर रही है, क्या चूंकि माँ का हृदय कोमल होता है, वो तो जान रही है कि जैसे मेरे इसके पहले के पहले की संतान को मारते गया मेरा भाई, वैसे इसको भी मार दे। माता देवकी कह रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय सभासद जी, निवेदन कर रहा हूं, पंक्तियां सुनिएगा, आपको पसंद आएंगे। जा चुके माता देवकी कह रहे हैं कि स्वामी जा चुके छे ललन, जा चुके छे ललन है बिकल मेरा मन, अरे कुछ तो करो जतन। स्वामी मैं चाह क्या रही हूँ, ममता जा कुल सुन ले तो वो क्रंदन कैसा होगा, क्योंकि अभी तक तो जितनी संतानें हुई मैंने उनका रोना और क्रंदन सुन नहीं पाया। हाँ, 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 हाँ।
ममता का कुल सुनने को वो क्रंदन कैसा होगा स्वामी। लेकिन अरे क्रंदन अगर बात पसंद आए तो आपकी तालियां चाहूंगा, क्योंकि कलाकार के लिए ये तो जरूरी है, डीजल डलवाना है प्रयागराज। सही बात, टोल बहुत महंगा हो गया, लेकिन ये आपकी तालियां बहुत बहुमूल्य होती हैं। ममता व्याकुल सुनने को वो क्रंदन कैसा होगा, और क्रंदन जैसा भी हो मेरा नंदन कैसा हो, पिया क्रंदन छोड़िए जैसा भी होगा लेकिन मेरा नंदन कैसा होगा। अगली पंक्तियां सुनिए। बेबस पर बस बरस रही है अब व्याकुल आँखियाँ तरस रही बेबस पर बस बरस रही है क्या कुल वखियां तरस रही है। और ये राधे कृष्णा स्वीट हाउस बिल्कुल एकदम इस उत्सव में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मिठाई का ढेपा होता तो और अच्छा लगता। अरे वाह, आ जाएगा श्री राधे कृष्णा स्वीट हाउस, जिसके प्रोप्राइटर है हमारे बड़े भैया श्री मनोज कुमार जी सभासद महोदय। आपकी तरफ से ये एयरफोर्स रोड बलराम मार्केट बीकेटी लखनऊ, ये 501 पत्र मुद्राएं भैया को सादर प्रणाम है, स्वागत है। तालियां आपकी होनी चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेबस पर बस बरस रही है व्याकुल अखियां तरस रही है। दादा बड़े भैया निवेदन कर रहा हूँ, सुनिएगा। मन को जो शीतल कर दे वो चंदन कैसा होगा। क्या बात दादाजी। मन को जो शीतल कर दे वो चंदन कैसा होगा, अरे चंदन जैसा भी हो मेरा नंदन कैसा हो, कैसा भी हो मेरा नंदन कैसा हो, आप दूसरी पंक्तियां सुनिएगा। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां पुत्र कंस का संहार करेगा। जानती तो माता देवकी भी हैं, बिल्कुल, लेकिन बड़े भैया माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है, क्योंकि उन्होंने वो सोच रही है कि क्या ऐसा होगा, मुझे तो नहीं लग रहा है। तो अपने स्वामी से कह रही है कि पिया कि सपना क्या साकार करेगा। और स्वामी क्या सच मुझ संभार करेगा। सपना क्या साकार करेगा, क्या सचमुच संसार करेगा। तो कहा स्वामी अब अगर ऐसा हो गया, दादाजी अगर ऐसा हो गया तो खुशहाली आएगी तो वो बंधन कैसा होगा। जब मेरा लाडला आ जाएगा तो उसकी वंदना मैं कैसे करूंगी। खुशहाली आएगी तो वो वंदन कैसा होगा, अरे वंदन जैसा भी हो मेरा नंदन कैसा हो। बड़े भैया अंतिम पंक्तियां, दादा साबरी खान जी अंतिम पंक्तियां सुनेगा। जनता जनार्दन से निवेदन है, देवकी कह रहे कि पिया पिया मोरा ना जिया लागे लागे, पिया मोरा ना जी
जिया लागे लागे थके थके नैना जागे जागे जिया मोरा ना जिया लागे लागे जिया मोरा ना जिया लागे लागे जिया मोरा ना जिया लागे सरगम भावे में भूषित सरगम भावे में भूषित अभिनंदन कैसा होगा अभिनंदन कैसा सरगम तूफानी भाव में भूषित अभिनंदन कैसा होगा अब अभिनंदन जैसा भी हो मेरा नंदन कैसा होगा अरे क्रंदन जैसा भी हो मेरा नंदन कैसा होगा क्रंदन जैसा भी हो मेरा नंदन कैसा प्रेम से बोलिए सांवरे सरकार की ये आदरणीय सम्मानित श्री दयाराम यादव जी श्री दयाराम यादव जी जराहरा से 101 पत्र मुद्राएं सादर प्रणाम कर रहा हूं और सम्मानित श्री पप्पू चौरसिया जी बीकेटी आपकी तरफ से ये 51 पत्र मुद्राएं प्रणाम भैया को और ये सम्मानित श्री विनय कुमार सिंह जी शनाप श्री नक्षेत्र सिंह जी रुदही से ये आप बड़े भैया की तरफ से 201 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं बहुत बहुत धन्यवाद है और ये सम्मानीय आदरणीय श्री राजू श्याम सलोना जी दादा श्री राजू श्याम सलोना जी उर्फ राजकुमार रावत जी ग्राम सरकपुर सरैया सीतापुर रोड बक्सी का तालाब लखनऊ ज्ञान गुरु सम्मानीय आदरणीय श्री राधे श्याम सलोना जी मन कामेश्वर मंदिर लखनऊ आप आदरणीय दादाजी की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ स्वागत कर रहा हूँ और ये क्या बात है ये सम्मानीय हमारे भाई साहब श्री भागीरथ साउंड सर्विस गिरधर रेडीमेड गारमेंट्स सैरपुर बाजार रैथा रोड बीकेटी लखनऊ भागीरथी लोधी जी आपकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं जो ये साउंड सर्विस सुन रहे हैं आपकी तरफ से मैं जोरदार तालियां साउंड सर्विस के लिए बिल्कुल बिल्कुल 101 पत्र मुद्राएं भैया की तरफ से और ये सम्मानी श्री स्वामी यादव जी श्री स्वामी यादव जी तरहिया से ये 201 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है नमन है परम सम्मानी आदरी दादा श्री विजय मिश्रा जी दुर्गा मंदिर कमेटी इटौंजा आप अच्छा 51 पत्र मुद्राएं हमारे लिए 51 पत्र मुद्राएं हमारे लिए और 51 पत्र मुद्राएं हमारे सागर जी के लिए साउंड सर्विस के लिए अच्छा उनके लिए भी बिल्कुल अच्छा ढोलक वादक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय हमारे दादाजी को सादर प्रणाम कर रहा हूं और ये पुनः हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री मनोज कुमार जी सभासद महोदय राधे कृष्णा स्वीट हाउस एयरफोर्स रोड बलराम मार्केट बीकेटी लखनऊ हमारे नाम ही काफी है आपका हमारे मनोज भैया की तरफ से ये 501 पत्र मुद्राएं हमारे भाई साहब भगीरथ साउंड सर्विस भागीरथी भैया के लिए क्या आप अपना पुरस्कार ले जाए जोरदार तालियां आपको होनी चाहिए तालियां होने चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद है क्या बात अरे किसी को पठा दीजिए हम दे देंगे
ये सम्मानी श्री विनय कुमार आदरणीय श्री विनय कुमार सिंह जी सनाप नक्षेत्र सिंह जी रुदही से बड़े भैया की तरफ से ये 201 पत्र मुद्राएं पुनः प्राप्त हो रही हैं। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं भैया को और पुनः मंच में सौंप रहा हूं आदरणीय दादा श्री लालमन जी को। तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। प्रेम से राधे कृष्ण भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।